감사합니다. 감사합니다. Guys, welcome to today's video and I hope you all are doing well. So today we are making what I eat in a day and in Hindi. So ab meri class ka time hota hai ye aur 9:30 baje lagbhag main class aa jati hu aur mainly subah aate time apne pyonejom is convenient store in Korean language. Convenient store se main mainly ye khareedti hu bananas aur apple aur something हेल्दी इस डेज क्योंकि मेरे पिंपल्स बहुत होते हैं तो मुझे ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं. माय लाइफ इन कोरिया. तो यहाँ आके मुझे नहीं पता चल रहा कि इतने सारे पिंपल क्यों आ रहे हैं. तो लेट मी टेल यू, एक बार मेरे को सैटरडे जब मैं सो के उठी तो मेरे मैंने देखा मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स थे और पता नहीं मैंने क्या खाया था उस दिन, एक दिन पहले जो इतने सारे पिंपल्स, मुझे इतना गुस्सा आया. फिर मैं सीधे डॉक्टर पे गई. कोरिया में समर्स आ गए हैं बट अभी भी जैकेट पहननी पड़ती है और अभी भी ठंड है. हाँ तो मैं बता रही थी मैं यहाँ पर क्लिनिक पर जाने से बच रही थी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर या तो स्टोरेज से ट्रीट करेंगे या फिर एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर मेरे को फेशियल देंगे. तो कोरिया में स्किन क्लिनिक को बोलते हैं फीबू क्वा. फीबू क्वा फीबू मतलब स्किन और क्वा है इस क्लिनिक. तो मुझे पता था मेरे घर के पास एक फीबू क्वा है, बहुत सारे हैं. एक फार्मेसी से पूछा था कि यहाँ पे कौन सा अच्छा क्लिनिक है स्किन ट्रीटमेंट इमरजेंसी के लिए कि अगर मुझे जाना पड़े तो कौन सा है. तो मुझे पता था वो मेरे घर के ही पास था तो मैं गई वहाँ पर. 7th फ्लोर पर था वो फीबू क्वा. तो मैं गई वहाँ पे, मुझे पता था फैंसी सा होगा और फैंसी सा ही था और सारा इतना अच्छा बना हुआ था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था. और जिन डॉक्टर ने मुझे देखा था वो काफ़ी फेमस हैं, मतलब फेमस नहीं अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं. तो मैं उनके पास गई, मैंने थोड़ा 10-20 मिनट वेट किया. फिर उन्होंने मुझे अंदर अपने रूम में बुलाया और फिर पूछा कि क्या है. हमने कोरियन में बात की और थोड़ी बहुत इंग्लिश में. तो उन्होंने मेरे को देखा और मुझे लग रहा था कि वो टेस्ट वगैरह करेंगे बट उन्होंने कुछ भी टेस्ट नहीं दिया मेरा. मैंने कहा भी था कि प्लीज़ मेरे टेस्ट ले लीजिए, अगर कोई बॉडी में कुछ है तो पता चल जाएगा. बट उन्होंने कुछ टेस्ट नहीं लिया. और जब से मेरे पिंपल्स हुए हैं मैंने बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया इंडिया में कि पता चले कि क्यों हो रहे हैं, एटलीस्ट कोई मेरे को रीज़न दे ताकि मैं उस रीज़न पर वर्क करूँ और बंद करूँ. अगर मैं खा रही हूँ कुछ गलत तो उसे मैं बंद करूँ या फिर कुछ कर रही हूँ या फिर कुछ. हर स्किन केयर ट्राई किया, हर डाइट ट्राई की, हर कुछ ट्राई किया बट किसी ने मेरे को कोई आंसर नहीं दिया. बस एंटीबायोटिक दे देते थे और बट यहाँ पे मैं गई उन्होंने मेरे को बस एंटीबायोटिक दी, एक ऑइंटमेंट दिया. और मैंने उनसे कहा था कि मेरे को कोई वाइटामिन सी का सप्लीमेंट दे दीजिए तो उन्होंने मुझे वो भी दिया बट वो कहीं भी फार्मेसी में कहीं पर नहीं मिली मेरे को. डॉक्टर की फीस पूरी गई थी 20,000 और मेडिसिन की गई थी 40,000, वो भी एक हफ्ते के लिए. वो भी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं थी, बस एक ऑइंटमेंट था और एंटीबायोटिक और वो भी एक हफ्ते के लिए सुबह शाम. और उन्होंने मुझसे, हाँ जिसका मुझे डर था वही उन्होंने किया. उन्होंने कहा कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें अपने कंसल्टेंट के पास भेजता हूँ. और उन्होंने मुझे बताया कि आप फेशियल करवा लीजिए, आप लेज़र करवा लीजिए. फेशियल में लेज़र है, एक्सट्रैक्शन है, सब कुछ है, ये है वो है, फलाना ठिकाना है. एक लेज़र एक सेटिंग की प्राइस थी 120,000 कोरियन वॉन, लाइक 7,000 रुपये एक बार के, एक फेशियल के लिए. तो 7,000 रुपये और उन्होंने मुझे टोटल बताया था तुम्हें आना है लगभग 8 बार तब जाके तुम्हारे पिंपल्स ठीक होंगे. मैंने उनसे पूछा अच्छा ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या लेज़र वेज़र का. उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर बाद में ये खाओगे लेट सोओगे उठोगे तब भी तुम्हारे पिंपल्स आ जाएंगे. मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा है अगर मैं इतने सारे रुपए खर्च करूँ और मेरे पिंपल्स फालतू में आने लग गए. मतलब फेशियल कराते रहो तब तो ठीक है वरना नहीं. मुझे लगा कि यार इन एंटीबायोटिक वगैरह से कुछ नहीं होगा, खा पी के चुपचाप से अब अपनी डाइट सही करो और अपने आप ही ठीक होंगे ये. तो फिर सुबह मैंने फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिए, एप्पल्स बनानास और प्रोबायोटिक्स और योगर्ट वगैरह. और
पिंपल्स मेरे ज़्यादातर खाने पीने से ज़्यादा होते हैं अगर मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, पिज़्ज़ा में चीज़ होता है, डेयरी प्रोडक्ट से बहुत जल्दी होते हैं, मीठे से जल्दी होते हैं, ग्लूटेन से बहुत जल्दी होते हैं। जो भी मैं चीज़ इंटरनेट पर सर्च करूँ कि पिंपल्स किस वजह से आते हैं, डाइट में क्या होता है जो आ जाते हैं और ट्रिगर क्या है उसके, तो हर चीज़ जो भी मैं खाती हूँ वही उन्होंने दिखाया इंटरनेट पर, लाइक डेयरी, ग्लूटेन, मीट में ग्लूटेन होता है वो भी नहीं खा सकते, और मीठा और वाइट राइस। फिर मैंने थोड़ा अब सही से खाना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेट पर मैंने देखा वाइट राइस से भी होते हैं, बट वाइट राइस से मेरे पिंपल्स नहीं होते। अगर स्टिकी राइस होते हैं उससे मेरे पिंपल्स होते हैं, पर वाइट राइस से नहीं होते। मैंने सोचा कि फालतू में डॉक्टर पे जाती रहूं और पैसे खर्च करती रहूं, एंटीबायोटिक खाती रहूं, इससे अच्छा है कि मैं अपने डाइट पे ध्यान दूं और हेल्दी खाऊं पीऊं और फाइबर रिच फ्रूट्स कंज्यूम करूं और अच्छे से खाऊं। अच्छा है कि मैं खाने पीने पे पैसे खर्च करूं ना कि डॉक्टर और दवाइयों पे। फ्रूट्स महंगे हैं कोरिया में और जो भी हेल्दी चीज़ है वो थोड़ा महंगा है, तो पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाऊं अब और ऐसा खाऊं कि जिससे मेरा पिंपल्स वगैरह ना हो। कोरिया में प्रोबायोटिक इतने वैरायटी है बहुत सारी। याकुल्ट, आप लोगों को याकुल्ट ज़रूर पीना चाहिए, याकुल्ट बहुत अच्छा है, और प्रोबायोटिक लेना चाहिए अपने खाने के साथ, वो इजी कर देता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, इसमें तो बहुत, आज मेरी लास्ट क्लास है इस सेमेस्टर की। सो या गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम था और ब्रेकफास्ट के टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह ही खा सकूँ, और लंच के टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से पेट भर के खा सकूँ, और उसके बाद डिनर में मैं कोशिश करती हूँ हल्का फुल्का खाऊँ, ग्रीन वेजीज ज़्यादा खाऊँ। तो अगर आपके पिंपल्स होते हैं तो अपनी डाइट में थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स और सैलड और फ्रूट्स और प्रोबायोटिक्स ट्राई करें। तो मेरा पेट काफ़ी नाजुक है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता हर चीज़ को इजीली, तो मुझे अच्छे से खाना होता है, मतलब संभल के खाना होता है, तो इसलिए मैंने फ्रूट्स खाए ब्रेकफास्ट में और ये प्रोबायोटिक खाए और प्रोबायोटिक योगर्ट खाए। और अब लंच में मिलेंगे, देखते हैं लंच में आज क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है या कुछ होता है। मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ लंच के लिए। तो या अब ब्रेकफास्ट हो गया, अब लंच में मिलते हैं, बाय। Bean sprout, fish and radish, kimchi, rice and miso soup, I guess, with onion, green onion and mushroom. And this is our beef set, only 1000 Korean won if you have got. So I don't like this one. Today's set is not that good. Yesterday was curry, Japanese curry, it was really really good. But today this thing, I don't like this thing, fish. Oh my God. It's not that. कभी अच्छा मिलता है कभी फालतू मिलता है, लाइक टुडे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहती थी फिर चेंज भी कर सकती थी बट मेरा मन नहीं था चेंज करने का। Yeah. Really hit this. Plus one 행사 상품 완료되었습니다. 감사합니다. 카드를 챙겨주세요.
Hey guys, this is my evening snack time and I bought this one. This is another probiotic in my bananas. Again, kele or banana. मैं banana or probiotic खा पी रही हूँ इन दिनों because मेरा पेट कुछ ज़रा ठीक नहीं है क्योंकि स्पाइस कोरियन फूड काफ़ी स्पाइसी है तो मैं तोपोकी वगैरह खा लेती हूँ तो वो बहुत स्पाइसी होती है तो मेरा पेट कुछ अपसेट हो जाता है तो इसलिए आजकल मैं प्रोबायोटिक और केले खाने पे ध्यान दे रही हूँ. प्लीज़ ये मत सोचना कि क्या ये कैसा ये कैसी वीडियो है, ये तो बस केले और यही खाए पिए जा रही है. एंड सी कोरियन दिस इज ऑल्सो यापोई. और मैं अभी 7-Eleven GS25. They have so many convenient stores in every corner. GS25, 7-Eleven, and CU2. Anything you can get anything in this convenience store. 4 बज चुके हैं, 4 से थोड़े ज़्यादा, तो ये मेरा स्नैक टाइम है. इस टाइम में कुछ ना कुछ खाती हूँ. अगर पेट सही होता है मेरा तो मैं लगभग अपना इंडियन स्नैक खाती हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अभी भेजा था एज अ बर्थडे प्रेजेंट. और कोरिया के स्नैक्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया के अच्छे हैं, इतने कोरिया के अच्छे नहीं हैं. कोरियन स्नैक्स हमेशा मीठे होते हैं ज़्यादा, और मीठे होने के साथ ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलता, उनके टेस्ट काफ़ी बियर्ड है. और मेरा इवनिंग स्नैक्स हो गया है और मैं अब आपको शाम को डिनर टाइम पे मिलूँगी और मैं आपको बताऊँगी डिनर में मैं क्या खाती हूँ. और डिनर में भी थोड़ा हेल्दी होगा तो प्लीज़ इस इन दिनों में काफ़ी हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे पिम्पल्स ना हो, मेरा पेट ख़राब ना हो, इसलिए समझने की कोशिश करना. और ये मत कहना कि केला कौन खाता है भाई. बाय. तो ये मेरा स्नैक टाइम था, अब हम डिनर पर मिलेंगे. बाय. Black olive, tomatoes, cherry tomatoes, chickpeas, green leaves, and rice, and beans, and so many good things. मुझे सैलड अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है इस ड्रेसिंग के साथ. एक हफ्ते मैंने लगातार ये सैलड ही खाया था तो इसलिए मेरी स्किन थोड़ा अच्छा कर रही है, मेरा पेट भी अच्छा काम कर रहा है. गमसामिदा, जोमल गमसामिदा. आज हम कोरियन डिश बनाएंगे क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कभी कोरियन डिश बनाओ वेजिटेरियन, तो मैंने सोचा आज कोरियन डिश बनाते हैं जो कि बहुत इजी है. वैसे आप इंडिया में भी बना सकते हो. तो फर्स्ट थिंग इज चॉपर फ्राइंग पैन. फर्स्ट थिंग किमची, वी नीड किमची. दिस किमची आई प्रेफर बिकॉज इट्स रियली डिलीशियस.
मेरे घुसवान ओनर भी मुझे किमची प्रोवाइड करते हैं हम सबको, बट मुझे वो किमची पसंद नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा तीखी होती है। तो मेरे को ये किमची अच्छी लगती है क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट्स मिला रखे हैं। पहले मैं ऐसे छोटे पैकेट लेती थी 60 ग्राम के, जो कि 2+1 ऑफर में मिलते थे हमेशा। तो अब पहली बार मैंने इतना बड़ा पैकेट लिया जो कि 900 ग्राम का है, और मैंने इसके 9000 कोरियन वॉन दिए, तो विच इज़ नॉट बैड। मेरे लिए किमची भूकंप बनाएंगे, और अगर ये डिश आपको इजी लगे बनाने में तो आप सारे इंग्रेडिएंट ACNE दिल्ली मार्केट से ले सकते हो, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, किमची, टोकपोकी, गोचुडांग अभी मैं दिखाऊंगी क्या है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग ओनियन, और कोरियन नेम है इसका फा, ओनली फा, दिस इज फा और ओनियंस यांग फा। सो मे बी दिस वन इज वन, इसको भी चॉप कर लेना है। कोरिया में सारी चीज़ें हैं, लूज कोई चीज़ नहीं मिलती, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो एक ही बार में काफ़ी सारे पैक में लेना होते हैं, तो एक और उस पैक को एक हफ्ते में ख़त्म करना होता है, और ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो इट्स लाइक लिटिल बिट चैलेंजिंग इफ़ यू लिव अलोन, सो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। एंड सो दिस इज ग्रीन ओनियन फा एंड किमची नाउ। So first thing is this is sesame oil, but you can use any oil like vegetable oil or any other oil you have. Tilka tel. So aaj hum sesame oil use karenge. Sesame oil bahut healthy hota hai. So agar green onion, making kimchi bokumbap is so easy. You only need like 2-3 ingredients, and main ingredients are kimchi and rice. Tera mixer pehle banata koi nahi dil lagata koi, and kimchi bokumbap mein aap koi bhi ingredient mila sakte hain jo bhi aapke paas ghar mein hai, koi bhi vegetable aur kuch bhi, egg bhi mila sakte hain, वैसे egg जरूर मिलाया जाता है किमची भूकंपाप में, बट मैं एग नहीं खाती। तो हमारी प्याज अब अच्छे से थोड़ी ब्राउन हो गई है, तो अब हम किमची ऐड करेंगे इसमें। तो जब तक हमारी किमची थोड़ी ब्राउन हो रही है तब तक हम ये साफ़ कर लेते हैं। कोई खाना बनाना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस मेन इंग्रेडिएंट किमची, चावल और ये सब चाहिए बस, और किमची से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, जैसे किमची जॉन होता है लाइक चीला, इंडिया का चीला। तो थोड़े उस मैदे में किमची मिला दो और चीले की तरह बना दो, तो वो किमची जॉन हो जाएगा, पर बहुत टेस्टी होता है, बना के देखो। तो किमची अब थोड़ी हो गई है ब्राउन, और अब मैं चावल ऐड करूँगी। चावल मुझे अपने गोशवान के पसंद नहीं आते क्योंकि थोड़े चिपचिपे होते हैं, पता नहीं अजीब टाइप के होते हैं, तो मैं हमेशा ये वाले चावल यूज़ करती हूँ। दिस इज़ बाय द ब्रांड ओटोकी, 1 या 2 हज़ार कोरियन वन में स्कीम में मिल जाते हैं, लाइक बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 1, प्री कुक्ड होते हैं, तो अच्छे लगते हैं मुझे खाने में, टेस्टी लगते हैं। तो जब भी किमची भूकंपाप बनाती हूँ तो हमेशा ये यूज़ करती हूँ। आप इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हो, ऑनियंस ऐड कर सकते हो, और जो भी आपके पास हो कैप्सिकम ऐड कर सकते हो। और अब जब ये हो रहे हैं तो मैं नमक मिलाऊंगी इनमें, तो नमक इन कोरियन इज सोगम, तो सोगम हम ऐड करेंगे। दिस इज कोचुडांग इज रेड चिली पेस्ट, तो रेड चिली पेस्ट किमची भूकंपाप में मिलाते हैं थोड़े से, और मैं भी मिलाऊंगी इतनी काफ़ी है, फ्लेवर है अच्छा, तो इसलिए मैं मिलाती हूँ, ज़्यादा तीखी नहीं है वैसे। कभी कभी मैं किमची भूकंपाप बना लेती हूँ, और वैसे मैं सैलडी से, जो मैंने दिखाया सैलडी से, सैलडी खा रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने मेरे को एंटीबायोटिक दी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे खुद ही कुछ करना होगा, तो फिर मैंने सैलड खाना स्टार्ट कर दिया, और मेनली मैं सैलड खाती थी, तो मेरी स्किन अब अच्छी होने लग गई है। चावल से मेरे पिंपल्स नहीं आते, वीट से मुझे पिंपल्स होते हैं क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, तो ग्लूटेन भी सही नहीं होता। तो और किमची बनाना भी घर पे बहुत ही ईजी है, मैंने
इंडिया में मुझे जब कहीं नहीं मिल रही थी और आईएनए में भी उस टाइम किमची अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इंडिया में ही कुछ यूट्यूब वीडियो देखी और मैंने खुद ही घर पे बना ली और वैसे ही बनी जैसे होती है किमची। तो आप भी कोशिश करो तो बन जाएगी इजीली, बस उसे फर्मेंट करना होता है क्योंकि कोई वेजिटेरियन नहीं होती, बट वेजिटेरियन ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट उसमें फिश सॉस मिलनी होती है, तो फिश सॉस से फर्मेंट होती है वो। तो अगर आप नहीं खा सकते हो तो आप वेजिटेरियन भी बना सकते हो। तो मैंने किमची, ये मेरी किमची बोकुंबा है जो कि दिखने में ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, बट टेस्ट अच्छा होता है इसका। आप भी घर पे बना के देखो तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं इसे ब्राउन होने दूंगी थोड़ी देर तक, क्योंकि ब्राउन मुझे अच्छा लगता है जब वो थोड़ा नीचे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाता है, गोल्डन ब्राउन, वो मुझे अच्छा लगता है। आज मैंने ये भी लिया, बाय वन गेट वन फ्री। इस किम इज सीवीड और यहाँ किम सीवीड की बहुत ज़्यादा वेराइटी है। सैलडी का कोई सैलड सस्ते नहीं है, थोड़ा महंगे हैं, बट मैं खाती थी, कोशिश करती थी कि एक दिन में एक बार तो खाऊं, जब मेरी स्किन काफ़ी बेकार थी, मेरे पिंपल्स थे बहुत बड़े बड़े, तो उस टाइम मैं कोशिश करती थी एक टाइम मैं सैलड से सैलड जरूर खाऊं, इंक्लूड करूं अपनी डाइट में ताकि थोड़ा हेल्दी खाने को मिले। और फिर मैंने खाया भी तो काफ़ी फ़र्क आया मेरी स्किन पर, क्योंकि ग्रीन काफ़ी लोग सोचते हैं कि स्किन केयर करने से या दवाइयाँ खाने से या कुछ करने से, दवाई खाओगे तब तो पिंपल सही रहेंगे और नहीं खाओगे बंद कर दोगे तो फिर से आ जाएंगे। तो फालतू में डर्मेटोलॉजिस्ट और इन पे मत जाते फिरो, मैंने बहुत करके देख लिए हैं सब। कोशिश करो कि अपनी डाइट अच्छी करो, मेन प्रायोरिटी दो अपनी डाइट को, सबसे ज़्यादा डाइट को, क्योंकि डाइट ही सबसे ज़्यादा मेन होती है। और डेयरी, मैंने अपनी डाइट में से अभी डेयरी और मीठा बंद कर रखा है बिल्कुल, तो इसलिए मेरी स्किन थोड़ी सही हो रही है। और ग्लूटेन भी बंद कर दिया है, लाइक वीट और ये सब, मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं बिल्कुल भी। तो काफ़ी दिनों से सही चल रहा है, मैं नहीं खा रही। डाइट पे ध्यान दो और हो सके तो कुछ दिनों के लिए डेयरी और मीठा खाना बंद करो, और हो सके तो ब्राउन राइस खा के देखो, वो बहुत हेल्दी है। आटा भी बंद करो और एक्सपेरिमेंट करो कि देखो किससे हो रहे हैं किससे नहीं हो रहे हैं। तो मेनली डाइट का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना मेरे मेकअप से होते हैं, ना स्किन केयर से होते हैं, ना किसी स्ट्रेस भी मैं लेती नहीं हूँ और कुछ भी नहीं करती, तब भी मेरे पिंपल्स होते हैं। तो मैंने सोचा डाइट की वजह से ही होते हैं, जब मैं बुरा खाती हूँ तभी होते हैं मेरे पिंपल, तो मैंने डाइट चेंज करने की कोशिश की। तो स्ट्रेस भी मैं तभी लेती हूँ, जब मैं अच्छा खा रही होती हूँ तब भी मेरे पिंपल्स हो जाते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है कि क्यों हो रहे हैं भाई, अब तो मैं इतना खा पी रही हूँ अच्छा। और तब भी जरूर चलते हैं, क्योंकि रकम बाबा ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, पर अगर बचेगा तो मैं सुबह खा लूँगी। ये रहा मेरा किमची बोकुंबा, सुपर डिलीशियस। और अगर आपको किमची पसंद है तो आपको किमची बोकुंबा भी बहुत पसंद आएगा, और घर पे बना के देखो, बहुत इजी है। और किमची फ्राइड राइस, और नेक्स्ट टाइम हम किमची डॉन बनाएंगे, किमची चीला। दिस किमची इज सुपर डिलीशियस। और किमची बोकुंबा का टेस्ट किमची पे डिपेंड करता है, अगर आपकी किमची अच्छी है तो। मेरी अच्छी है, मैंने पैसे खर्च करे हैं एक्स्ट्रा उसके लिए। अब मैं अपने रूम में जाऊँगी और कोई अच्छी मूवी देखूंगी और इसे खाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा, पर अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। पहले मैं अपनी वीडियो में कहना भूल जाती थी कि लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे अच्छा नहीं लगता था ये कहना, पर क्योंकि मुझे लगता था कि अगर लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो अपने आप लाइक करेंगे, अगर उन्हें मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता था मुझे कहना कि लाइक माय वीडियो। तो कभी कभी लोग भूल जाते हैं लाइक करना, पसंद आती है उन्हें वीडियो पर, भूल जाते हैं, या कभी कभी लाइक ही नहीं करते, पसंद नहीं आती, तो कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी कहना पड़ता है कि लाइक माय वीडियो। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि सब करते हैं, मैं भी किसी वजह से सब करते हैं, तो मुझे भी कहना पड़ता है कि लाइक माय वीडियो, बट इट्स ओके इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक माय वीडियो, इफ यू डोंट लाइक माय वीडियो देन सब। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और कुछ नया करेंगे, और अगर आपको आगे और कोरियन वेजिटेरियन, स्पेशली वेजिटेरियन
खाने के बारे में सीखना हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं और बनाऊँ और एनकरेज करूँ मेरे को कि हाँ मैं आगे और बनाऊँ. So yeah guys, this is it. I hope you like this video. Thank you so much for joining me today. I will see you next time. Take care. Have a nice day. Bye-bye. Have a nice weekend.